stage to perform a drama. हिमालय के पर्वत शिखरों पे एक महान साधु रहा करते थे। वो बड़े ही ज्ञानी, तपस्वी और शांति प्रिय थे। उनके पास बहुत से विद्यार्थी शिक्षा के हेतु आया करते थे। एक बार उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव आप इतने महान हो तो आपके गुरु कितने महान होंगे? क्या आप आपके गुरु के बारे में कुछ बताना चाहेंगे जिनसे आपने इतनी शिक्षा प्राप्त की है? हाँ क्यों नहीं, मेरे जीवन में तीन गुरु आए जिनसे मैंने अनमोल ज्ञान की प्राप्ति की। तीन गुरु? हाँ, मेरा सबसे पहला गुरु एक चोर था। चोर? ये कैसे हो सकता है? आप मजाक कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। एक रात मैं किसी गांव से गुजर रहा था। रात काफी हो गई थी और मैं सोने के लिए कोई आसरा ढूंढ रहा था। तभी मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी जो किसी घर की दीवार में सुरंग बनाने की कोशिश कर रहा था। महाशय, क्या यहाँ पे मुझे कहीं पे रात भर के लिए आसरा मिल सकता है? आसरा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप मेरे साथ रह सकते हो। लेकिन ये जान लीजिए कि मैं एक चोर हूँ। जी कोई बात नहीं, मैं एक सन्यासी हूँ, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर मैं उस चोर के साथ उसके घर रहने चला गया। कुछ दिन मैं उसकी झोपड़ी में उसके साथ रहा। वो चोर बड़ा ही खुश मिजाज था। कभी वो चोरी करने में सफल रहता तो कभी असफल, लेकिन असफल होने पर भी वो कभी भी दुखी ना होता। अपने झोपड़े में आके आसमान को ताकता हुआ सो जाता था। वो एक मस्त मौला आदमी था। अपने जीवन में कभी भी निराश ना होने की सीख मैंने उसी से ली है। मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। कुत्ता? हाँ, एक कुत्ता। उस कुत्ते को बड़ी प्यास लगी थी, लेकिन जब भी वो पानी पीने नदी के पास आता, पानी में पड़ी खुद की परछाई देखकर वो डरकर वहां से भाग जाता। लेकिन जब उसकी प्यास बहुत बढ़ गई, हिम्मत करके उसने उस नदी में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही परछाई गायब हो गई, लेकिन अब वो पानी में डूबने लगा। घबरा कर वो जोर जोर से अपने पैर चलाने लगा, जिससे वो पानी में तैरने लगा और नदी के उस पार पहुंच गया। उस दिन मैंने सीखा कि अपने डर से भागो मत। उसका तीसरा गुरु 10 साल का एक छोटा सा बच्चा था जो हाथ में जलता हुआ दिया लेके अपने घर की तरफ जा रहा था। मैंने उस लड़के को रोका। मैं उस लड़के की थोड़ी परीक्षा लेना चाहता था। मैंने मजाक में ही उसे पूछा, बेटा तुम जो ये दिया हाथ में लेके जा रहे हो, उसमें ये रोशनी कहाँ से आई है? उस लड़के ने मेरी तरफ देखा और फिर बड़ी गंभीरता से उसने उस दिए को बुझाकर मुझसे कहा, क्या आपने देखा कि ये रोशनी कहाँ चली गई है? ये जहाँ चली गई है वहीं से आई थी। मैंने उस बच्चे को प्रणाम किया। देखो बच्चों, ये निसर्ग, ये जीवन ही हमारा सच्चा गुरु है। अगर हम अपने मन की आंखें खोलकर देख पाए तो यहाँ की हर एक चीज हमें मार्गदर्शन कर सकती है, हमें जीने की सही प्रेरणा दे सकती है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको आपकी आंखें खुली रखनी है या बंद। Very much students of class 6.